उनके आपको सलाहन देंगे, बोर्ड पर समझाएंगे, और आपसे भी मेरी उम्मीद ये है कि कोई भी है ना, नए हैं चाहे पुराने भी हैं, कोई भी मन में घटता समझ ना आए है ना, किस तरह की क्यूरीज या कोई अच्छा विचार है ना, यू आर वेलकम, खड़े होइए बिना झिझक के, जस्ट टोटली ऐसे हमारी उस तरह की नहीं चली हुई है, आप गए होंगे इसमें ना, इसमें थोड़ा ताम झाम ज्यादा हो जाता है, करेंगे रास्ता भी, लेकिन अभी जो है आप बिल्कुल पर्सनल, इसको बोलते हैं भट्टी में तपना, यज्ञ होता है ना, यज्ञ उसकी भट्टी होती है, भट्टी में क्या क्या किया जाता है, तपा होता है, तप जाते हैं घर जाते हैं, बेस में बैठना है, मजबूत है, को भटता है, तो ये हमारी पढ़ाई लगी, उसके बाद उस मिलने वाली गेम में बहुत बड़े मिस्टेक हैं, आप लोगों ने तो अनुभव सुनाने वहाँ पर आते थी कि मैंने कैसे लिया था, तो मैं एक ऐसी भगवत जी का नाम जो है ओनली वन ही है, ओनली वन, और उनकी पर्सनैलिटी से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ, मिलिट्री वाली पर्सनैलिटी है, वन मैन आर्मी जैसे लगते हैं, रियल जिंदगी के आर्मी हीरो बोले उनकी तरह लगते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, हाथ भी मिलाएंगे वो भी, उन्होंने बिल्कुल अपने को ढाल रखा हुआ है, और मैं बोलूंगा कि यू नो लक्ष्य रखा हुआ है एक का, मैं बोलूंगा एक तो बहुत छोटा है ऐसी पर्सनैलिटी के लिए, ये जो है इनके तो मेरे ख्याल उस टाइम तक तो 2 साल बहुत अवधि होती है, 12-10 करोड़ को निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई होता है पंजाब इतना, तो मैं बोलूंगा वन एंड ओनली मिस्टर केवल। सबको नमस्कार जी, कैसा लग रहा है जी? एक व्यक्ति हो रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है, दो हो रहे हैं बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है जी? बहुत बढ़िया। अब सब बोल रहे हैं, देखो दोस्तों शुरू में शायद आपको कम बढ़िया लग रहा है, लेकिन नेटवर्किंग की एक भाषा है, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया बोल के ही बढ़िया बढ़िया होता है, क्लियर होता है आप। बातचीत शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम केवल सिंह ठाकुर है, जो कोटा से हूँ मैं, और लगभग 10 साल पहले मुझे 2005 में इस इंडस्ट्री का पता चला था, और तभी इतना विश्वास नहीं था कि बाकी इस इंडस्ट्री में कम पढ़े लिखे लोग जो ज़्यादा पर्सनैलिटी नहीं रखते उस तरह के लोग भी इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सब लोगों का हिमालयन मल्टीग्रेन में जोरदार कॉलेज से जोरदार स्वागत। यहाँ पे दोस्तों एक बात लिखी हुई है, ऊपर लिखा कंपनी का लोगो हिमालयन मल्टीग्रेन और उसके नीचे लिखा एक उड़ान आजादी की ओर, आजादी, यस और नो? यस सर। कैसी आजादी चाहिए सर आपको? आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी, हाँ जी, कैसी आजादी चाहिए जी आपको? हाँ जी, कैसी आजादी चाहिए जी? जो हम सोचे वो हमें मिले। यस, पीछे जी कैसी आजादी चाहिए सर हमें? शर्मा रहे दोस्तों, ये इंडस्ट्री, अगर इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो ये पागलों की दुनिया है, ये बेशर्मों का काम है, यस और नो? यहाँ पे सबसे बड़ा बेशर्म सबसे ज्यादा पैसे बढ़ा के ले जाता है, मैं क्लियर कर दूं आपको आज, सबसे ज्यादा, यस और नो? क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे कई प्रैक्टिकल पीछे से कई ऐसी चीजें हैं कि हम ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते, पहले हमने बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करी, हमने कोई जॉब करी वहाँ पे एक डिसिप्लिन था, हम हाउस वाइफ हैं, हम ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन दोस्तों अगर इस इंडस्ट्री में बाकी, अभी सर जी राकेश मीनास जी ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही कि अगर हमारा गोल पक्का है और आपने गोल अपना सेट कर लिया तो उस गोल को अगर सर अचीव करना है तो सबसे पहले आपको बेशर्म बनना पड़ेगा, क्योंकि शर्म करने वाले व्यक्ति को मंदिर गुरुद्वारों में भी प्रसाद नहीं मिलता, यस और नो? यस। शर्म करने वाले व्यक्ति को मंदिर और गुरुद्वारे में प्रसाद नहीं मिलता, और जो बेशर्म व्यक्ति होता है एक बार प्रसाद खा के हाथ पोंछ के दूसरी बार हाथ करके प्रसाद दोबारा ले लेता है, यस और नो? बात सही है सर, ये तो दुनिया ऐसी है, हमें बात करनी है, हमने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो अगर हम बिल्कुल सिंपल तरीके से लोगों के पास जाएंगे वो लेकर भैया देर तो हवा निकल चुकी है तो प्रोडक्ट क्या बेचेगा, यस सर? नो? दोस्तों 10 साल पहले इस इंडस्ट्री का पता चला, इसको सीखते गए बहुत सारी कंपनी में आए, बहुत सारी कंपनी में गए, आम जिंदगी में, देखिए मैं अपने बारे में बता दूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ,
यस और नो? यस। ये क्लियर है दोस्तों, अंडर मैट्रिक हूँ, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद दो दो लाख लोगों के बीच बोलने का मौका मुझे मिला हुआ है इस इंडस्ट्री की वजह से। आज मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, मैं भी आपकी तरह, आप नए हो सकते हैं, आप ज्यादा वक्ता भी नहीं हो सकते हैं, मैं भी कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे सर आप यहाँ से बोलना शुरू करेंगे, आपकी सारी जितने भी जीते का है, जितने भी आपका डर हो सब निकलते जाएंगे। यस और नो? तो दोस्तों शुरू में सीखना शुरू किया, जैसे जैसे अपनी अप्लाई बोल दी गई, जैसे जैसे इस तरह की मीटिंग सेमिनार अटेंड करना शुरू किए, चाहे वहाँ लोग आए चाहे नहीं आए, हमें बोला गया कि आपको मीटिंग में आना है तो मीटिंग में आना है, हमें बोला गया सेमिनार को अटेंड करना है तो अटेंड करना है, बस वो छोटे छोटे काम करते गए दोस्तों। मेरे जैसे व्यक्ति की वैल्यू, अगर मैं आम जिंदगी में किसी होटल में जॉब करता तो आज की डेट में 8 से 10 हज़ार रुपये कमा रहा होता। या सर नो? अगर मैं किसी फैक्ट्री में काम करता तो उस फैक्ट्री में मुझे 8 से 10 हज़ार रुपये पेमेंट मिलती। या सर नो? लेकिन दोस्तों इस इंडस्ट्री में 1.5 लाख रुपए पर मंथ इनकम मैं ले चुका हूँ इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी बड़ी पावर है, और मैं भी ले चुका हूँ। हजारों लाखों लोग ऐसे पैदा हुए, हजारों लाखों लोग ऐसे हैं, हजारों लाखों लोग ऐसे होने वाले हैं दोस्तों। आपको फेस करना पड़ेगा, हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं हिमालयन मल्टी टेन, एक ऐसी कंपनी जिसका जन्म 1 महीना पहले हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी में हुआ, पता है जी सभी को? क्योंकि हिमालय लिखा तो HP की कंपनी है और मंडी की कंपनी है, और जोरदार तालियां चाहूंगा उन दो शख्सियत के लिए जिन्होंने जिनका एक विचार आज हम सब लोगों को यहाँ इकट्ठा करने पर मजबूर कर गया, हमारी कंपनी के MD मिस्टर हेमराज ठाकुर जी, धन्यवाद, और इस कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर लाल सिंह जी, इनके लिए जोरदार तालियां। एक सोचा हुआ विचार, एक पैदा हुआ विचार आदमी को कहां से कहां पहुंचा सकता है, क्योंकि ये लोग भी पिछले 8-10 साल से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, इन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया, और हमारे पास आज तक जितनी भी कंपनी आई, नीचे से आई, साउथ से आई, कोई दिल्ली से आती, कोई हैदराबाद से आती, कोई बॉम्बे से आती, और हम 2-3-4-5 साल के बाद वो कंपनी हिमाचल में एंटर करती थी, उसके बाद हमारे पास आती थी, हम उस कंपनी में ज्वाइन करते थे, और ज्वाइन करते करते काम करने के बाद भी हम लाखों कमाते थे। लेकिन दोस्तों बहुत ही गुड़लक, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि शुरू में ही ये कंपनी हमारे हाथ में लगी और शुरू से हम इस कंपनी में जुड़ गए। अगर 5 साल के बाद ये कंपनी हमारे पास आई और उस कंपनी में भी हमने लाखों रुपये बनाए, तो दोस्तों जो कंपनी शुरू में हमारे पास आई उसमें कितने पैसे बना सकते हैं हम? कोई सेठ तो नहीं बैठा है यहाँ पे, बहुत बड़ा सेठ, देखिए सर पैसे सबके पास है, गुजारा सबका चल रहा है, लेकिन इस महंगाई के दौर में, इस महंगाई के दौर में पैसा हमारी मजबूरी बन गया है, पैसे के बिना कोई वैल्यू नहीं है बाहर मार्केट में, पैसे के बिना कुछ नहीं आता जी। आज डिमांड बढ़ रही है, हर चीज की डिमांड बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सामान बढ़ रहा है, फैसिलिटी बढ़ रही है, लेकिन पैसा नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। अगर पैसा किसी इंडस्ट्री में बढ़ रहा है तो सिर्फ MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, बाकी किसी का पैसा नहीं बढ़ रहा है। यस और नो? इस काम को क्यों करना है, इस काम को कैसे किया जाता है, मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि आज मैं आपके लोगों के सामने इस कंपनी का, इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान शेयर करूं। यस, तैयार है जी? बिल्कुल, एक व्यक्ति तैयार, बाकी बाहर देखेंगे, सब तैयार है जी, आप बताएं, सभी तैयार है जी? दोस्तों सबसे पहले मैं क्लियर बात कर दूं, सबसे पहले आपके मन में जो भी बातें चल रही है, आप पीछे की जिंदगी में क्या है, आप पीछे क्या कर रहे हैं, उन सब बातों को अगले 15 से 20 मिनट के लिए आपने इस दरवाजे से बाहर कर देना है। आप यहाँ पे बिल्कुल खाली होके बैठेंगे, यस और नो? कैसे बैठेंगे जी? बिल्कुल खाली माइंड बैठेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास पहले से बहुत सारी नॉलेज है, पहले से अगर हमारा माइंड पूरा बुक है, तो दोस्तों मैं यहाँ जितना मर्जी बढ़िया प्लान दिखा दूं या मैं जितना मर्जी बढ़िया बात कर लूं, आपके भेजे में कुछ भी नहीं जाने वाला। यस सर नो? तो खाली है जी? मोबाइल सबके बंद है जी? हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं सर, उसका नाम क्या है? हिमालयन मल्टी ट्रेड, मैं हिंदी में लिखूंगा सर, बुरा मत मानना। वाह जी, आप तो बराक ओबामा की तरह लेफ्ट हैंड है जी, बर्ड की बड़ी बड़ी हस्ती है वो, कंपनी का नाम है जी हिमालयन मल्टी ट्रेड,
पंडित देख रहे हैं पता नहीं क्या लिख दिया हुआ है। सर आपने लिखने के ऊपर नहीं जाना है, आपने सिर्फ जो मैं बोलूं उसके ऊपर गौर करना है। यस और नो? अगर इस सिस्टम के साथ, इस कंपनी के साथ हमने हाथ मिलाना है, इस कंपनी को अगर हमने ज्वाइन करना है, इस कंपनी से हमें पैसा कमाना है, तो दोस्तों कंपनी के पास दो पैकेज हैं, दो तरह से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। नंबर एक, आपको 2500 रुपए का एक पैकेज दिया जाएगा, और नंबर दो, 1000 रुपए का भी एक पैकेज दिया जाएगा। क्या? यस, पीछे लोग कुछ कर रहे हैं। एक रोटी मेकर, टीवी में यार कितने लोग देखते हैं, टीवी कितने लोग देखते हैं, सभी देखते हैं टीवी, सभी के घर में। तो रोटी मेकर भी यार देखी है, कितने लोगों ने देखी, हाथ खड़ा करते हैं। वहां बढ़िया बनाता है जी, टीवी में बनाता है ना जी, लेकिन मैं क्लियर बता दूं, ये प्रैक्टिकल भी बढ़िया बनाता है, सेम उसी तरह की, सिर्फ हमें थोड़ी आदत डालना पड़ेगी। यस और नो? दोस्तों ये रोटी मेकर है, और 1000 में आपको मिलेगा डिटॉक्स फूड पैच। ये क्या काम करता है, जैसे हम किसके पास गाड़ी है, हम 6 महीने 1 साल के बाद गाड़ी की सर्विस कराते हैं जी, सेम उसी तरह ये हमारी जो इतनी बड़ी गाड़ी है, बॉडी शरीर, ये इसकी सर्विस करता है। यस और नो? तो इसकी सर्विस करवानी चाहिए जी। आज तक किसी ने नहीं कराई, मुझे पता है किसी ने भी नहीं कराई, नहीं कराई जी। दोस्तों 1000 में अगर हमारी बॉडी की सर्विस हो जाए, और अगले 2-3-4 साल हम हॉस्पिटल में जाकर कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा जी। लेकिन आज तक ये हो नहीं रहा था, आज के बाद होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों 2500 रुपए लेके देके, 1000 रुपए देके आप ये कोई भी एक प्रोडक्ट लेके इस बिजनेस में आ सकते हैं, एंट्री होने का तरीका। यस और नो? अब फायदा क्या होगा इस बिजनेस में आने से, फायदा क्या होगा आपको, ठीक है जी? फायदा क्या है, आपने अब गोला में क्यों लगा रहा हूं, गोला में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है, और ऑनलाइन इसी तरह गोले लगते हैं। Yes or no? जैसे आपने रोटी मेकर लिया तो आपकी ज्वाइनिंग लगी यू, ठीक है जी? कितना दिए जी आपने? 2500 रुपए। इसमें आपने ज्वाइन तो कर लिया, 2500 रुपए आपने दे दिया, आपको कंपनी ने प्रोडक्ट दे दिया, पैसे नहीं आने हैं। Yes or no? पैसे कब आने हैं जी? अब पैसे आने की बात है, 3 तरह से आपको पैसे आएंगे। अब कितनी तरह से जी? 3 तरह से। 3 तरह से पैसे आएंगे। पहली तरह से आएंगे आपको जोड़े बनने पर, इसको बाइंडिंग प्लान भी बोल सकते हैं हम। जोड़ा कैसे बनेगा सर? ये लेफ्ट ये राइट, ओके जी? कैसे? आपने किसी को 2500 से ज्वाइन कराया, चाहे किसी को 1000 से ज्वाइन कराया। यस और नो? अब मैं क्लियर कर दूं कि अगर 2500 से ज्वाइन करेंगे और 2500 से ही ज्वाइन करवाएंगे तो आपको मिलेगी 500 रुपए बाइनरी। पहले इनकम जो मैं बता रहा हूं कितना जी? 500 रुपए एक जोड़े के। यस और नो? और अगर आप 1000 रुपए से ज्वाइन करते हैं और 1000 से ही लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो आपको मिलेगी सर 300 रुपए बाइनरी। कितनी जी? और इसके कंपनी ने पॉइंट भी तय कर रखे हैं, अगर आप 2500 रुपए से किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो आपको मिलते हैं 50 पॉइंट, और अगर आप किसको 1000 से ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलते हैं 30 पॉइंट। यस और नो? ये क्यों ऐसा? क्योंकि कोई लोग, बहुत सारे लोग हमारे साथ 1000 से ज्वाइनिंग लेंगे, बहुत सारे लोग हमारे साथ 2500 से ज्वाइनिंग लेंगे, तो उसका डिफरेंस कैसे हम तय करेंगे? तो इस तरह से जितने भी पॉइंट आपके मैच करते जाएंगे लेफ्ट राइट में, पर पॉइंट की वैल्यू है 10 रुपए, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू है 10 रुपए, यानी 1 पॉइंट वो 10 रुपए का। जितने भी पॉइंट, अब जैसे आपने यहाँ पे 2500 से किसको ज्वाइन करवाया तो 50 पॉइंट बने, और यहाँ भी किसको 2500 से ज्वाइन कराया यहाँ भी 50 पॉइंट बने, तो 50 और 50 पॉइंट आपके मैच हुए गुना 10, तो आपका बना 500 रुपए। यस, तो इस तरह से क्लियर है जी? जितने भी पॉइंट मैच होंगे उस तरह से आपका पेआउट बनेगा, और ये डेली क्लोजिंग है, डेली कैपिंग है। यस, डेली कैपिंग है, और जो पेआउट की क्लोजिंग है वो वीकली है, ठीक है जी? यानी पेआउट हम संडे टू संडे काम करेंगे, और सोमवार से अगले शनिवार तक हमारे अकाउंट में पैसा कंपनी डालेगी, कोई भी डे हो सकता है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है जी? दूसरी इनकम है परफॉर्मेंस बोनस, ठीक है सर? ये क्या चीज है?
अभी कैसे आएगा? अब आप 2 लेग में काम कर रहे हैं, ये आपके 2 लेग हैं लेफ्ट और राइट, क्योंकि बाइनरी प्लान जो है वो 2 लेग में ही काम करता है, यस और नो? अब आपके 2 लेग में लोग जुड़ना शुरू हो गए, इस तरह से आपके लेग डिजाइन होना शुरू हो जाएंगी, ये लोग अपने लिए काम करने गए, ये अपने लिए काम करेंगे, अपने काम करेंगे, इस तरह से बहुत सारे आपके लेफ्ट राइट में लोग ज्वाइन होना शुरू हो चुके हैं। और जैसे ही आपके ब्राउज़र से मैं इसको क्लियर कर देता हूं, जैसे ही आपके 100 पेयर होंगे, 100 जोड़े, यस और नो? जैसे ही आपके 100 जोड़े होंगे, कंपनी आपको देती है 1000 पर मंथ पेंशन के रूप में बोनस, यस और नो? जैसे ही आपके 250 पेयर पूरे जाएंगे, कंपनी देती है आपको 2500 रुपए बोनस। जैसे आपके 500 पेयर होंगे, कंपनी आपको 5000 देगी। 1000 आपके पेयर बनेंगे, कंपनी 7500 रुपए देगी। 2500 पेयर बनेंगे, कंपनी 10000 पेंशन देगी। 5000 पेयर 15000 रुपए पेंशन, 10000 पेयर पे 25000 पेंशन। और उसके बाद कंपनी के टर्नओवर से जब आप डायमंड बनेंगे तो आपको 5% मिलेगा, रॉयल डायमंड बनेंगे तो 7 से 7% मिलेगा, अगर आप क्राउन डायमंड बनेंगे तो कंपनी आपको अपने शेयर से 10% देगी टर्नओवर का। टर्नओवर क्या होता है? हम काम कर रहे हैं इधर और बहुत सारे ग्रुप कर रहे हैं बाहर, कोई हमीरपुर में काम कर रहा है, कोई कांगड़ा में कर रहा है, कोई पंजाब में कर रहा है, कोई राजस्थान में कर रहा है, जितना भी कंपनी का सारे महीने की सेल होगी, जितना भी उसका टर्नओवर होगा, उसका 5 से 10% हम लोगों के बीच में बंटना है, जो जिस लेवल पे पहुंचा होगा। यानी सिंपल लेते हैं हम, अगर कंपनी का 1 करोड़ का टर्नओवर होता है तो उसका 5 से 10% का मतलब हुआ 5 से 10 लाख रुपए हम और आप लोगों के बीच में बटेगा एक एक्स्ट्रा इनकम बोनस के रूप में, यस और नो? यस। तीसरी इनकम है रिवार्ड। रिवार्ड क्या? ये आपने सब यहाँ पढ़ा होगा या बोर्ड लगा हुआ है, ये रिवार्ड है। और दोस्तों किसी भी कंपनी में मैंने बाइनरी प्लान में देखा, इतने कम अमाउंट में कंपनी रिवार्ड नहीं देती है, अगर देती है तो उसके टारगेट बहुत मुश्किल होते हैं, वो आम आदमी नहीं कर पाता। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ बाइनरी प्लान के लिए काम करेंगे, हमें पेंशन भी अपने आप मिलेगी और ये रिवार्ड भी अपने आप अचीव होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आज कुछ लोगों के ये जो रिवार्ड है ये अचीव कर रखे हैं कुछ लोगों ने, उनको आज सेलिब्रेट या किया जाएगा आपके सामने थोड़ी देर में। तो अब रिवार्ड क्या है, आप शुरू में देखिए, यू कैन विन, आप जीत सकते हैं। जैसे ही आपके 10 पेयर होंगे तो आपको कंपनी की तरफ से पार्कर पहनना है, 25 पेयर, अगले 25 पेयर के ऊपर शर्ट है, अगले 100 पेयर के ऊपर डिनर सेट है, फिर स्मार्टफोन है, टैब है, लैपटॉप है, वॉशिंग मशीन है, बाइक है, नैनो है, हंडे कार है, वर्ना है, स्कूटर है और टोयोटा क्रोला और टॉस है। ये 50 लाख के सर रिवार्ड है। रिवार्ड कितने पैसे खर्चे थे जी? 2500 रुपए में। अगर सर इतना कुछ मिलने वाला हो तो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस सर। दोस्तों मार्केटिंग प्लान इतना ही है, मैंने 5 से 10 मिनट बोला था, शायद 5 से 10 मिनट में हो गया, तो मेरा रोल भी खत्म हो गया प्लान दिखाने का। आपको कैसा लगा वो आपके ऊपर डिपेंड है, मुझे दिखाने में बहुत मजा आया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट प्लीज राकेश जी कम ऑन द स्टेज नेक्स्ट एमसी के लिए। मैं केवल जी का धन्यवादी हूँ, बहुत थैंक्स टीम में जोश भी ले आए, खुद भी जोश में रहते, मैंने पहले ही बोला था तो हमारी हम सब की खुशकिस्मती है कि हमारे जो है ऐसे ऐसे लीडर हैं। एक छोटी सी किस्से से स्टार्ट करता हूँ आगे की स्टोरी, अच्छे लगते हैं किस्से बीच बीच में। एक बार किसी गुरु, कोई बड़े गुरु थे, तो उनके एक चेला था, उस चेले ने पूछा अपने गुरु से कि महाराज मुझे जो है आप, मैंने बड़ा सुना है कि लोग पानी पर चल सकते हैं, क्या आप कुछ ऐसा करेंगे? बोले हाँ, लेक्चर दिया, प्रभु का नाम लियो, श्री कृष्ण या जो भी किसी का नाम तुमने लिया उसका नाम लेके नदी में चले जाना, है ना, पार हो जाएगा। प्रभु भाई गुरुदेव का नाम है, ठीक है, गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके चल। गुरु ने टाल दिया अपनी साइड से, वो दूसरे दिन गया और नदी आई हुई थी, उसने गुरुदेव का नाम लिया और नदी पर चला और चलते के पार। वो रो जाता,
एक दिन गुरु जी ने पूछ लिया उससे कि यार तो बड़ा तूफान था, तू कैसे पहुंचा नाव में? तो गुरु जी आपने बताया हुआ है, आपकी कृपा है, आपके चरणों का मैंने ध्यान किया और आ गया। बोले चल भी मेरे को चल के दिखा, उसने चल के वहाँ नदी पे गया और चल के दिखाया भी, अरे गुरुदेव ने नाम लिया और नदी पे चढ़ने स्टार्ट हो गए। अब गुरु जी की पहले गुरु जी आ जाओ आप भी आ जाओ, गुरु जी ने डाला डुबकी लगी है ना, मतलब ये कि गुरु डुबकी और चलना निकल गया है ना, किस कारण से? विश्वास के कारण। विश्वास, तो मैंने दो चीजें बोली थी है ना, पहली वो, तीसरी चीज में मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया टॉपिक को था विश्वास, जो मैंने बोला कि मंत्र की तरह दोहराना है तो उसके साथ क्या चीज होती है, ट्रस्ट, विश्वास, यस मैं कर लूंगा कर। और कोई मेरे ख्याल से शायद भाग्य होता है या नहीं होता है ना, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मैंने बहुत किस्से ऐसे सुने हैं जिसमें लोगों ने खुद भी भाग्य बनाया, और मेरे देख रहे में भी ऐसे ही आता है कि वो खुद ही अपना भाग्य बनाते हैं। कोई भाग्य से किसी को लैटरी निकली हो तो वो बड़े रेयर हो जाते हैं ना, लेकिन मैं बोलूँ कि अगर भाग्यों के भी माने तो ये पूर्व जन्मों का प्रारब्ध भी बोलते हैं ना भाग्य, कि पिछले जन्म में कुछ कर्म करके आ तो ऐसा हुआ, तो इसका मतलब पिछले जन्म में तो उसने कुछ मेहनत की थी ना, कर्म ही, इसलिए कर्म ही जो महान है। एक बहुत अच्छी कहानी है, छोटी सी किस्सा है, उसके बाद मैं अगला लूंगा ज्यादा, कि एक बालक था, छोटा सा बालक था ना, वो पढ़ रहा था, उसको रोज मास्टर जी पढ़ने के लिए व्याकरण पढ़ाया संस्कृत का समाना, तो उसको रोज याद करने के लिए देने, उसने खड़े में उसको खड़ा कर देना और उसने उसको ये बोलना कि सुना, उसने भू जाने दी। उन्हें एक दिन बड़ा गुस्सा आया मुस्तर, रोज रोज ये फिर उठाई छड़ी और जोर से उठा के उसको उला के हाथ और मारने लगे, मारते मारते एकदम से रुक गए, उनकी आँख खुशी आंसू बह निकली। बोला बच्चे मैं तेरे को बड़े प्यार से बच्चे को सहलाया, बोला बेटी मैं तेरे को तो ना कि मार रहा था, मैंने मैं इतना विद्वान हूँ कि इस चीज़ को गौर ही नहीं कर पाया कि तेरी हाथ में जो है शिक्षा की रेखा ही नहीं है, पढ़ाई की लीक ही नहीं है, मैंने देखा ही संस्कृत का विद्वान होते थे लाइन नहीं है, बोलता बच्चे जा तिरक सो गई तो आराम से आया कर बैठा, रोज मार खाता था वो बच्चा, लेकिन वो बात उसके दिल में लग गई ना, उसको दिल को टच गई वो इमोशन की बात, भी तेरी में पढ़ाई नहीं जिसको बोलते तेरी बस का है ही नहीं, वो रोज खाता था लेकिन वो सब उसको ऐसा लगा छड़ी की मार उसने हाथ उखड़ गए थे, लेकिन फिर भी उसको लगा वो गया है ना, सुना होगा बाहर गया है, पत्थर लिया, पत्थर से चीर के अपने हाथ की लकीर बना दिए, असली किस्सा है, लकीर बना दिया और खून से लथपथ हाथ लेकर आया, मास्टर जी देखो अब मैं पढ़ सकता हूँ, मास्टर एकदम से गदगद हो गया, बोला मैं तुझे पढ़ाऊंगा तो पढ़, और वो पढ़ा और उसका नाम था पाणिनि, अष्टाध्यायी के लेखक, संस्कृत जो व्याकरण आज व्याकरण जो हम पढ़ते हैं उसका रचनाकार पाणिनि। तो ये भाग्य भाग्य या नेगेटिव क्या हुआ, विश्वास दृढ़ संकल्प में नीचे सफलता लगती है। तो ऐसे ही कुछ सफल लोगों को मैं बताऊंगा जिन्होंने सीढ़ियाँ होती हैं ना सीढ़ियाँ, जैसे ये समझिए है ना यहाँ तक पहुँचना है, ये इससे आगे जाना है, तो ये है जिन्होंने प्रथम सोपान प्रथम पायदान होता है सीढ़ी का, उसको जो है उस पर पहला कदम रखा हुआ है, तो इनको मैं अनाउंस करूंगा वो मंच पर आए। तो फर्स्ट है हमारे, आप लोग जब ये आए तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत, तो इनका नाम है, ये हमारे फर्स्ट अचीवर है, रिवार्ड अचीवर, इनका नाम है जगत राम।
ऐसी ही सभी जो है अपनी अपनी गाड़ियां में यहाँ एक लंबी लाइन लगा करेंगे। हम बड़े होटल में या कहीं भी रखेंगे अपने लंबी सी लाइन जिसमें अपनी गाड़ी हो कंपनी का लोगो होगा। ये अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री जगत राम जी से कि वो कुछ शब्द बोले अपना अनुभव तक ऐसे किसी तो दूसरे हैं हमारे योगराज गुलेरिया। पवन कुमार उनकी डर मौजूद जगत राम जी के